नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टॉक मार्केट अपडेट के चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो हाल ही में अपना ऑडिटेड रिजल्ट और फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर की थी, और अब इन्होंने अपना रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट डिक्लेयर किया है। तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। तो इन्होंने अभी हाल ही में डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1300% का, और इसका पेमेंट डेट भी आ चुका है। तो आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर उसके पहले अगर हम स्टॉक पे नज़र डालते हैं, इनका जो 52 वीक लो है 1477 का है, और 52 वीक हाई 1869 का है। और आज का इसका क्लोजिंग की बात करें तो 1699 के करीब इसका क्लोजिंग है। अगर हम मार्केट कैप में नज़र डालते हैं तो लार्ज कैप की कंपनी है, 3,68,000 के करीब इनका मार्केट कैप है। इन्होंने लास्ट टाइम 2200% का डिविडेंड दिया था। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है, जो कि होता है 22 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड इन्होंने दिया था। और ये कंपनी हर साल काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। तो आइए अब इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इनका प्रोमोटर के पास 67.19% की होल्डिंग है, और बाकी FII प्लस DII के 32.81% की होल्डिंग है। अगर हम इनकी फाइनेंशियल रिजल्ट पे नज़र डालते हैं तो मार्च क्वार्टर में इनका सेल का टर्नओवर थोड़ा बड़ा है दिसंबर क्वार्टर से। दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 9,558 करोड़ का सेल का टर्नओवर था, और मार्च क्वार्टर में 9,845 करोड़ का सेल का टर्नओवर था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 1,444 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था, और मार्च क्वार्टर की बात करें तो 1,538 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था। लेकिन हम सेम पीरियड 2018 की बात करें तो इस टाइम बड़ा है, काफ़ी बड़ा है सेल का टर्नओवर दिसंबर क्वार्टर मार्च 2018 से। मार्च 2018 की बात करें तो 9,097 करोड़ का इनका सेल का टर्नओवर था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,351 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था, जो कि इस टाइम काफ़ी अच्छा बड़ा है। और अगर हम इनकी डिविडेंड की बात करें, कंपनी ने कैसा डिविडेंड दिया है हर साल, तो जैसे कि मैंने कहा, ये कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। हाल ही में इन्होंने 1300% का डिविडेंड दिया था मई में। तो आगे हम इसी के बारे में बात करें, इनका पेमेंट डेट आ चुका है तो आगे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इन्होंने 900% का डिविडेंड दिया था अक्टूबर 2018 में, और इन्होंने लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर मई में इसी पीरियड में इन्होंने 1200% का डिविडेंड दिया था, जो कि होता है 12 रुपीज़ इनके फेस वैल्यू के हिसाब से। और आप देख सकते हो, हर साल 2 बार तो डिविडेंड ये दे ही देती है कंपनी। तो अगर हम बोनस की बात करें तो कंपनी ने 4 टाइम बोनस दिया है। और स्टॉक प्लेट की बात करें तो कंपनी ने 1 बार स्टॉक प्लेट भी किया हुआ है। तो आइए चलिए मैं अभी इनका लेटर निकाल लेता हूँ, जिसमें डिविडेंड का पेमेंट डेट और रिकॉर्ड डेट के बारे में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इनका लेटर निकाला है, इसमें डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट सभी चीज़ अवेलेबल है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ है मैं आप लोगों को वही बता देता हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है, इन्होंने 13 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर शेयर। इनका फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है, जो कि होता है 1300%। और इनका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है 20 जून 2019 का होने वाला है, यानी कि जिस किसी के पास भी इनका स्टॉक है 20 जून तक आपको होल्ड करना है, तभी आप एलिजिबल रहोगे डिविडेंड के लिए। और ये जो पेमेंट डेट करने वाले हैं, ये इसमें इन्होंने लिखा है 4 जुलाई 2019, या फिर उसके बाद ये पेमेंट कर देंगे। तो आज बस यही एक न्यूज़ आप लोगों को बतानी थी। तो ऐसे तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी कर रही है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है अपने सेक्टर की। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। तो जिस किसी के पास भी इनका स्टॉक है, वो होल्डिंग करना चाहिए उनको। तो बस आज यही एक न्यूज़ आप लोगों को बतानी थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, आपके दोस्तों के साथ ये न्यूज़ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस और न्यूज़ के लिए। चलिए, थैंक यू।